मेरी बात मान लो, राजा हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। और मेरी बात नहीं मानोगे ना, फकीर हो जाओगे। और मानने पे आ जाओगे, ये बीवी मनवा लेगी, और वो बहन मनवा लेगी, वो भाई मनवा लेगा, वो पंडित जी मनवा लेंगे, वो व्यापारी जी मनवा लेंगे। आप 365 दिन, एक साल में 365 दिन में से आप कमाते कम हो, कमाते जाता हो। अभी चले गए कैला देवी धक्का खाने। हम नहीं, देवी देवता का विरोध नहीं करते, हम मान रहे कैला देवी है, उनसे ताकत है, मान लिया। तो जिसके अंदर ताकत है कैला देवी में या किसी देवी में, तो क्या मंदिर में है क्या? बोलो मंदिर में है क्या? सब लोग बोलो, सबसे कहा था बोलने के लिए, सब मंदिर में क्या? अगर मंदिर में ताकत होती ना, तो जिनका है वो मंदिर, वो बाउंड्री करा के आपको फटकने ना देते कि जो मिलना हम लेंगे देवी जी से, ये सबके क्यों बांटेंगे? नहीं, आपके जाने से वहां मिलता है। आप जब 1,00,000 लोग वहां जुटते हो, तो तहबजारी का ठेका जो मंदिर के कैंपस में जो माला बेचेंगे वो पैसा। अब अगर सोचो जंगल में मंदिर, वहां क्यों दुकान कोई लेगा? वहां क्यों माला फूल बेचने वाला कोई बैठेगा? वहां क्यों गाड़ी बनाने वाला कोई बैठेगा? कोई क्यों किराए के लेगा? कोई नहीं लेगा। लेकिन जब आप जाते हो, पानी चढ़ाने जाते हो शंकर भगवान का, शंकर भगवान को पानी की जरूरत है? जिनके जिनकी शुद्ध जटाओं से शुद्ध गंगा नदी निकलती है, उन्हें गोमती की, यमुना की, जिसमें टट्टी मिला हुआ पानी, उनकी जरूरत क्या है? हनुमान शंकर भगवान को है जरूरत क्या? और देखो, हम या तो हम बोलना बंद कर देंगे, और या तो आप लोगों को धीरे धीरे निकाल देंगे कि निकलो भाई, आपकी जरूरत। मतलब 300 लोगों को भी पदाधिकारी हो और बोल नहीं पा रहा हूं, क्या थक गए हो क्या? बोलो थक गए हो तो बोलो। मैं बोल सकता हूं 1.5-2 घंटा, आप लोग नहीं बोल सकते। क्यों बोल सकते? तो बोल नहीं रहे पीछे लोग, बोलो। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मत पूजा करो, खूब पूजा करो, लेकिन जितने खुद आपके जितने हिंदू धर्म के जितने शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद, यहां तक कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने खुद कहा कि मैं मन में मंदिर में रहता हूं। कहा रहते हैं? कहा रहते हैं? मन मंदिर में रहते हैं। भक्त के अपने, पूजा करने वाले के मन मंदिर में रहते हैं, मंदिर में नहीं रहते।